कारण के बिना तरीके 200 साल पुरानी पद्धति बात करने का सुप्रीम कोर्ट वाला जो आप स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य स्वामी होमानंद सरस्वती आपके लिखा अब इसे दिखाते हैं अपन लिखा भैया नहीं नहीं अब ऐसा है नंगे थे अभी भूपन दास वगैरह आपको हाफ पैंट पे देखे हो भैया दूसरा महाराज जी क्या नाम है रामेश्वर डॉक्टर रामेश्वर भाई हम आप पाली और तीन लोग तो हो गए हम आप पांच संतों को बताए संतों में हो गया काजू महाराज जी आप क्या लिखते हैं अपना नाम अरे यार तो पुराना आपका गुरु अच्युत प्रपन्नाचार्य आप आज बैठक ये इसलिए हो रही है कि हम लोग बहुत व्यथित हैं कि सैकड़ों वर्ष पुराना हम लोगों का हनुमान मंदिर नीचे धर्मशाला के बगल में बिना कोई सूचना के तोड़ दिया गया। वृद्ध महात्मा थे बेचारे गंगा स्नान करके आए और उनको अंदर सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग इसी को बचाव के लिए पूरे समाज के हिंदू जनमानस के उसमें चाहे वो नाविक समाज हो चाहे तीर्थ पुरोहित समाज हो चाहे दुकानदार समाज हो चाहे संत समाज हो सभी मिल के हम लोग ये बैठक कर रहे हैं और कोई इससे निर्णय निकालेंगे हम लोग कि उनसे मिल के हम लोगों की रक्षा कैसे हो। उसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर ये सभी संत समाज की प्रयागवाल सभा और नाविक समाज दुकानदार समाज ये सब की एक यहाँ पर मंत्रणा की गई है जिसके अंतर्गत ये तय किया गया है कि त्रिवेणी बांध में जो मठ मंदिर आश्रम पिछले सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर स्थापित हैं संत महात्मा यहाँ रह करके पूजन पाठ जप तप स्वाध्याय गंगा स्नान इत्यादि करते हैं अनेक प्रकार के यहाँ पर जनहितैषी तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए यहाँ पर कार्य किए जाते हैं वह सब प्रकार से सुरक्षित रहे यहाँ का जनमानस जो है वह अपने साधना में रत रहे आने वाले तीर्थयात्रियों को जो यहाँ से सुख सुविधाएँ और मार्गदर्शन दिया जाता है वो यहाँ पर चलता रहे यह माना कि यहाँ की जो भूमि है वो रक्षा संपदा के अंतर्गत आती है यह सत्य है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है लेकिन पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ संत महात्मा निवास कर रहे हैं तो उन संत महात्माओं की रक्षा करना भी रक्षा विभाग का उसी प्रकार कर्तव्य है जिस प्रकार की भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है उसी प्रकार त्रिवेणी संगम बांध में निवास करने वाले संत समाज की सुरक्षा का दायित्व भी उन लोगों को होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो नाविक समाज है यहाँ पर जो पंडा समाज है वह भी तीर्थयात्रियों से जुड़ा हुआ है। जब इस संगम के तट पर संत नहीं रहेंगे नाविक समाज नहीं रहेगा यहाँ पर पंडा समाज नहीं रहेगा यहाँ पर दुकानदार नहीं रहेंगे जिनके माध्यम से उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है तो आखिर फिर यह त्रिवेणी संगम और यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पर रही क्या जाएगा तो उसमें हम सब संत महात्माओं की ये मांग है कि संगम बांध के मठ मंदिर आश्रमों की रक्षा हो यहाँ के संत महात्माओं की रक्षा हो यहाँ के प्रयागवाल समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी रक्षा हो नाविक समाज की रक्षा हो उसके साथ साथ यहाँ जो थोड़े बहुत अपना जीविकोपार्जन के लिए छोटी मोटी जो दुकानदार दुकान करके अपने परिवार का पालन करते हैं उनकी सुरक्षा हो हम लोगों का यही उद्देश्य है और हम लोग शासन प्रशासन से रक्षा विभाग के विशेष अधिकारियों से परम सम्मानीय श्री रक्षा मंत्री जी से हम लोग निवेदन ये करेंगे कि हम सबों की सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व तो अपने हाथ में लें और उसको वह आगे बढ़ाएं यही हम लोगों का आज का उद्देश्य। महाराज जी का परिचय क्या है? डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य शास्त्री मैं श्री देवराहा बाबा सेवाश्रम का प्रबंधक हूँ जो संगम बांध के ऊपर ही हमारा ये मठ मंदिर आश्रम सुरक्षित है।